धैर्यशील माने मैडम। धर्म सिंह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, धैर्यशील मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस शून्य प्रहर में बात करने का मौका दिया। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देश में जो सरकार है वो सरकार हमेशा कहती रहती है कि ये संवेदनशील सरकार है, सर्वसमर्पक सरकार है और सारे लोगों को साथ लेकर चलने में उनका विश्वास है। और इसी देश में ऐसे कोई सीनियर सिटीजन है जो आज भी उपेक्षा उनकी हो रही है, कड़ाके की ठंड में वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी खुद की पेंशन के लिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना जो लागू की गई उसके लिए 67 लाख पेंशनर्स जो आज प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, वो कड़ाके की ठंड में हो, धूप में हो या बारिश में हो, अपने हक के पैसे के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। 1000 रुपए की पेंशन दी जाती थी मैडम, बढ़ाकर 3000 रुपए दे गई और 3000 में उसको कहा गया कि आप अपना घर चलाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो। आज ऐसी अवस्था है कि पेंशन की राह देखते देखते बहुत सारे लोगों के प्राण त्याग दिए गए, लेकिन उनको वहां से कोई न्याय नहीं मिला। मैं सरकार के माध्यम से एक मांग करना चाहूंगा, अगर वो संवेदनशील सरकार है और उसका प्रमाण देना चाहती है तो निश्चित रूप से जो 67 लाख पेंशनर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार का बल बढ़ाने का काम किया है, निम्न सरकारी योजनाओं में काम किया है, कोश्यारी कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट यहाँ आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट दिया है कि उनको 9000 रुपए की पेंशन लागू की जाए और उनके हेल्थ सर्विसेज की योजनाओं में दखल दी जाए और उनका आगे का स्वास्थ्य जीवन जाने के लिए, उनको एक आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए एक सहायता निश्चित रूप से शासन की ओर से, सरकार की ओर से होना बहुत जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये योजना कोश्यारी समिति के रिपोर्ट के हिसाब से लागू की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।